अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नईम शहजाद और आप देख रहे हैं नईम टेक्निकल टीवी। दोस्तों, जैसे आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि इस आउटडोर यूनिट की सक्शन लाइन के ऊपर आइस बनी हुई है, यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। तो आइए चेक करते हैं कि इसकी रीज़न क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है जी, मेरे पास इस वक्त एक लो प्रेशर की मैनिफोल्ड गेज है और इसको मैं इसके सक्शन लाइन के साथ अटैच करके आपको दिखा देता हूँ कि इसका रनिंग प्रेशर इस वक्त कितना शो हो रहा है। तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि इस वक्त 40 PSI का रनिंग प्रेशर, यानी कि 40 PSI का रनिंग प्रेशर शो हो रहा है। रनिंग प्रेशर को कहते हैं जो चलती हुई हालत में एसी शो कर रहा होता है। अब ज़रा यहाँ पे मुलाहिदा कर लें कि रेफ्रिजरेंट यानी कि गैस इसमें R22 है। जी हाँ, 22 नंबर इसमें गैस है। ठीक है जी, और इस वक्त ये प्रेशर शो कर रहा है रनिंग 40, जबकि होना चाहिए 60 का। ठीक है जी, R22 का रनिंग प्रेशर जो है वो 60 होना चाहिए, शो 40 कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं यही बोलूँगा कि इसमें गैस लीक नहीं है। ठीक है, आइए आपको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, इसमें रीज़न कोई और है, इस वजह से ये गैस कम शो कर रहा है। ठीक है जी, हालांकि इस वक्त ये 40 का प्रेशर शो कर रहा है, होना 60 का चाहिए, लेकिन इसके बावजूद क्या है कि रीज़न कोई और है जिसकी वजह से गैस कम शो कर रहा है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं इसको जल्दी से जो है वो गैस को पम्प डाउन कर लेता हूँ। पम्प डाउन करना जो है वो स्टार्ट करते हैं आप, मतलब छोटे वाले सर्विस वाल को पहले आप ऑफ करते हैं। ठीक है, फिर कुछ सेकेंड वक्फ़ा देने के बाद जब आपके मैनिफोल्ड गेज की जो नीडल है यानी कि सुई, वो जब सक होती हुई नीचे की तरफ आ जाती है यानी कि वैक्यूम वाले डिजिट्स की तरफ, तो उसके बाद आप बड़े वाले सर्विस वाल को भी ऑफ़ कर देते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आप पम्प डाउन कर लेते हैं, यानी गैस को महफूज कर लेते हैं आउटडोर यूनिट के अंदर। ठीक है, तो देखा जाए तो समझे तो इसमें आप गैस को पम्प डाउन करना भी सीख रहे हैं इस एक ही वीडियो के अंदर, और सक्शन के ऊपर आइस आने की रीज़न को भी आप इसी वीडियो में फिक्स कर सकेंगे। ये एक तरह का एक स्पेशल केस है। ठीक है, और बाकी कई रीज़न और भी हो सकती हैं सक्शन के ऊपर बर्फ आने में। तो ये हम इसके नीचे आ चुके हैं, ये कैबिनेट एसी है। ठीक है, यानी कि फ्लोर स्टैंडिंग एसी है 2 टन का, जिसका भी आपको आउटर दिखाया जा रहा था। तो अभी इसका मैं आपको दिखा देता हूँ कि करना क्या है। ठीक है, सप्लाई हमने इसकी ऑफ़ कर दी है दोस्तों गैस को पम्प डाउन करने के बाद। तो इसके लिए अभी ये ज़रूरी है कि हम इसकी ये शीट को खोल लें और यहाँ से इसके ये जो है वो यूनियन वगैरह खुल जाती हैं। ठीक है, अभी मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बस सरसरी से आपको ये दिखा दिया। अब इसका कूलिंग कॉइल निकालना जो है वो मकसद है हमारा। ठीक है जी, तो कूलिंग कॉइल जो है वो मैंने निकाल लिया, जैसे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है जी, तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि रीज़न क्या थी। ये इसका फ्रंट का साइड है जो कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आ रही है आपको, लेकिन ठहरिए इसकी बैक साइड से देखें आप, तो ये आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर मतलब डस्ट से भर चुका है, कीचड़ से लथपथ है। ठीक है, मुख्तसरन ये कि अगर मैं इसको बोलूं कि ये 100% चोक्ड हुआ है, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं होगा। आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। ठीक है, इस वक्त शायद कैमरा सही ना दिखा पा रहा हो। ठीक है, तो आपको मैं ये एक ब्रश अप्लाई करके दिखाता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से फ़र्क नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये मुकम्मल तौर पर चोक्ड कूलिंग कॉइल है। ठीक है, जिसकी वजह से इसका जो मतलब सकिंग सही नहीं हो रही थी इसकी। ठीक है, यानी कि इसका जो एवेपोरेटर है उसमें से एयर जो है वो सही तरीके से पास नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से इसका जो सक्शन का पाइप है उसके ऊपर आइस बन रही थी। हालांकि आप जब इसको मतलब इसका ग्रिल खोलेंगे इसकी और ऊपर से आप देखेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन था, लेकिन इनसाइड से ये बिल्कुल एकदम चौक था। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक ब्रश का इस्तेमाल करते हुए इसकी मतलब ऊपर से ये सारी मिट्टी वगैरह मैल कुचैल को हटाएं। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको अच्छे तरीके से प्रेशर वाश करें। ठीक है, मतलब प्रेशर के साथ इसको वाश करेंगे और इंशाल्लाह इस तरह से आप ये जो सक्शन के ऊपर बर्फ़ आने का जो मसला है ये आप इजीली फिक्स कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इसी साइड से प्रेशर मारूंगा जहाँ से ये क्लीन है। ठीक है, क्योंकि अगर हम मैं उसके अपोजिट साइड से इसको प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये जो है वो अंदर जो है वो मतलब चला जाएगा कीचड़, उस तरह से नहीं सफाई हो पाएगी जैसे होनी चाहिए। तो पहले यानी हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे, ओके जी, और इसके बाद हम दूसरी साइड से प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से आप
सक्शन लाइन के ऊपर आइस आने के जो रीज़न है उसको फिक्स कर सकते हैं। हालांकि ये कैबिनेट एसी है यानी कि फ्लोर स्टैंडिंग एसी, लेकिन सेम टू सेम यही केस आपके स्प्लिट एसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो बाकी सक्शन के ऊपर आइस आने की कई रीज़न होती हैं, ठीक है, लेकिन उन रीज़न में से एक मेन रीज़न ये भी है, ठीक है, जो आपके साथ अभी शेयर की गई है। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके सक्शन लाइन के ऊपर आइस आए तो आप इसका कूलिंग कॉइल लाजमी चेक कर लिया करें कि वो बहुत ज़्यादा डस्टी तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो उसके अच्छे तरीके से मास्टर सर्विस करके आप बआसानी मतलब इससे जान छुड़वा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। होप की वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी और तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और नई टेक्निकल टीवी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।